Assalamu alaikum students. Welcome to the Bright Future Academy. Today we are going to study about elements and symbols. आज के structure में हम study करेंगे what are elements, what are symbols and इनको write करने के rules क्या हैं. अपने previous lecture में हमने basic definitions of chemistry study किए थे. So अगर किसी को वो lecture चाहे तो उसका link description में मिल जाएगा. आप वहां से जाके इसको checkout कर सकते हैं. जैसा कि अपने हर lecture में मैं कुछ tips and tricks भी आपके साथ share करती हूँ कि आपने किसी question को कैसे तैयार करना है, as a long question या as a short question या उसमें से जो MCQs आने हैं आपने उनको कैसे तैयार करना है. So इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें. सो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस. एलिमेंट्स एक ऐसी शय है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एक जैसा जिनका एटॉमिक नंबर हो. एटॉमिक नंबर बोलते हैं किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, क्योंकि एक एटम मिलकर बनता है तीन मेजर पार्टिकल से जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं. वो तीन जो पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स पे जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं. सो हमने देखना है कि वो एटम्स आपस में मिले जो एक जैसे हैं और जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम है. अगर दो ऐसे एटम्स आपस में मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, इट मींस कि अगर वो कोई एलिमेंट बनाएंगे तो वो आइसोटोप बन जाएगा. लेकिन अगर ऐसे एटम्स आपस में मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, वो आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनाएंगे एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और इन्हें सादा तरीकों से या ऑर्डिनरी केमिकल मीन से हम एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते. अब एग्जांपल्स देखते हैं एलिमेंट्स की. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एक एटम और दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का ही, ये दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे O2, और O2 क्या है, एलिमेंट है. इस तरीके से हाइड्रोजन एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम, मतलब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे H2. H2 इज आल्सो अ एलिमेंट. इस तरह नाइट्रोजन या सिलिकॉन या एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स की. इसके बाद एक MCQ आता है बोर्ड एग्जाम में कि वो आपसे पूछ सकता है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं. तो 118 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, और कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अक्रिंग हैं, तो आपने बताना है कि 92 नेचुरली अक्रिंग है. इसके अलावा इनमें से कोई और MCQ नहीं आता. टेबल में से भी MCQs आएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की आप परसेंटेज बताएं अर्थ क्रस्ट पे, जमीन की सरफेस पे. अर्थ सरफेस पे ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 47%. सिलिकॉन कितने परसेंट है, 28%. एल्यूमिनियम 7.8%. अब वो ओशन में पूछ सकता है कि ओशन में बताएं ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 86%. हाइड्रोजन 11%. क्लोरीन 1.8%. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%. ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%. अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ओशंस में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, या सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट पे कितने परसेंट है, क्लोरीन ओशंस में कितने परसेंट है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तकरीबन बोर्ड पेपर में जरूर आते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म. एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और गैस फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स भी बेसिकली मैटर की ही टाइप है. मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं जो कोई वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है. मैटर इस वजह से सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी. सॉलिड फॉर्म में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनमें है लाइक सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह. सोडियम का सिंबल क्या है, Na.
कॉपर का सिंबल क्या है? सी यू. जिंक का सिंबल है जेड एन एंड गोल्ड का सिंबल है ए यू. लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके सिंबल्स क्या है? मर्करी एच जी. ब्रोमीन का सिंबल बी आर. और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं लाइक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को आप क्या लिखेंगे? एन टू. ऑक्सीजन ओ टू. क्लोरीन सी एल टू. सी एल सिंगल नहीं लिखना आपने, सी एल टू लिखेंगे, क्योंकि सी एल अगर आप अकेला लिखेंगे तो वो एटम कंसीडर किया जाएगा, सी एल टू लिखेंगे तो वो एलिमेंट कंसीडर करेगा, क्योंकि दो एटम्स आपस में मिले हैं क्लोरीन के, तो उन्होंने सी एल टू बनाया है विच इज एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एच टू. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता. उसके बाद है व्हाट आर सिंबल्स, और सिंबल्स को राइट करने के रूल्स क्या हैं, हम कैसे एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स असाइन करते हैं, या किसी एलिमेंट को उसके सिंबल के तौर पर कैसे लिखा जा सकता है. एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. जिस तरह हर इंडिविजुअल का, हर जानदार का, हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम है, इसी तरह एलिमेंट्स के भी स्पेसिफिक नेम है विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, जिनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. विच आर एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का जो असल नेम है, जो एक्चुअल नेम है, उसका एब्रिविएशन या उसका सिंबल हम यूज करते हैं. इसको राइट करने के दो रूल्स हैं. पहला ये है, अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लेटिन, ग्रीक और जर्मन. आप जिस भी एलिमेंट का नेम लिखेंगे, आप वो या तो इंग्लिश में होना चाहिए, या लैटिन लतीनी जुबान में, या ग्रीक यूनानी जुबान में, या जर्मन जर्मनी में होना चाहिए. इफ इट इज वन लेटर, दूसरा रूल ये है कि अगर उस एलिमेंट का नाम सिर्फ एक ही लफ्ज पे मुश्तमिल है, इट विल बी कैपिटल, तो वो कैपिटल होगा. फॉर एग्जाम्पल एच फॉर हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन के लिए हम सिंगल एच यूज करते हैं, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको कैपिटल लिखेंगे. एन फॉर हाइड्रोजन, अब ये भी सिंगल है, एक ही वर्ड है, तो इसको भी हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल एन. सी फॉर कार्बन, कार्बन भी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि एक वर्ड है ये. इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल्स, अगर ऐसा है कि किसी एलिमेंट का सिंबल दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, उसका सिर्फ पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होगा और दूसरा उसका वर्ड कैपिटल नहीं होगा, बल्कि वो स्मॉल लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सी ए फॉर कैल्शियम. अब सी ए में दो वर्ड है, सी एंड ए फॉर कैल्शियम. तो जो फर्स्ट वर्ड है सी, उसको हमने कैपिटल लिखा, और जो सेकेंड वर्ड है ए, उसको हमने स्मॉल लिखा. एन ए फॉर सोडियम. सोडियम में भी दो वर्ड है, कौन से? ए एन एंड ए. तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे जैसे एन लिखा, और सेकेंड वर्ड स्मॉल लिखेंगे. सी एल फॉर क्लोरीन. तो सी एल में दो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड हमने कैपिटल लिखा और सेकेंड वर्ड हमने स्मॉल लिखा. तो अपनी हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने से एक क्वेश्चन को तैयार करना है, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलती है. तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट की सूरत में दिया करें. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.